Hello students, today I am going to explain quicksort algorithm. Now before explaining quicksort algorithm, in the previous video we have already discussed insertion sort. And what was the insertion sort? Now in insertion sort, the key value x currently controlling the insertion is placed into the right spot with respect to the sorted subarray. So in insertion sort, there are two parts in the array, the left and the right. This is right is the unsorted array and left is the sorted array. Okay. In unsorted array, the first element you have chosen, suppose x, or aap previous element se compare karte hain. Okay. If previous element is greater than x, then record jo hai wo aapka shift hoga right hand side mein. Now compare to the next element, फिर record आपका shift होगा right hand side में. So in this way, आपके records जो हैं जो x से greater हैं, वो सब shift होंगे right hand side में. और यहाँ पर एक position बनता है, और इस position पे इसका insertion होता है. So this is the pivot element with respect to the this sub array. Okay, this sub sorted array. तो इसमें pivot आपका x decide हो गया. I mean to say that if elements which is smaller than x, कौन सी साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में. और एलिमेंट्स जो आपके ग्रेटर हैं x से वो राइट हैंड साइड में है. सो इंसर्शन सॉर्ट में ये करते थे. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्विक सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट? नाउ इन क्विक सॉर्ट डिफर फ्रॉम इंसर्शन सॉर्ट इन दैट द की वैल्यू x कंट्रोलिंग द इंसर्शन इज प्लेस्ड इन टू द राइट स्पॉट विद रिस्पेक्ट टू द होल एरे. So suppose this is your element, okay? जिसका आपको इसका location जो है आपको freeze करना है. So these are unsorted array. But ये unsorted array में हमको ये पता है कि ये elements जो है वो x से smaller हैं, और इस portion में elements जो है वो x से greater हैं. तो x की position कहाँ पर आएगा? X की position यहाँ पे between these two array, यहाँ पे इसको fix किया जाएगा. Now this is the pivot element right now. So हम एक बार में x की position को freeze करते हैं, और now the array is divided into two parts. Okay. So after this positioning has been made, the original array is partitioning into two sub array. The left sub array contains all elements smaller than the pivot elements, and the right sub array contains all elements greater than the pivot elements. Okay. अब ये partitioning होगी कैसे? This is important point. इसको हमें समझना पड़ेगा. Partitioning हम किस तरीके से करते हैं? So suppose there are 12 numbers, 44 to 66, and I want to freeze the location of 44. Okay. 44 की location आपको एक ही बार में freeze करनी है. सपोज अगर ये नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे, तो आपका 44 कौन से लोकेशन के ऊपर आ रहा है? हियर इज 44. नाउ द इंडेक्स नंबर इज 4. ओके. सो हम यहाँ पे कुछ प्रोसेस करेंगे. हम इंस्ट्रक्ट करेंगे मशीन को, जो वॉट एवर द एलिमेंट्स विच इज ग्रेटर देन 44, उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको राइट हैंड साइड में जाना है. और राइट से लेफ्ट में अगर हम कुछ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि 44 से जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं, उनकी पोजीशन जो है वो राइट हैंड साइड में नहीं होकर के कहां पर होनी चाहिए? आपकी लेफ्ट हैंड साइड में. तो कुछ यहां पे मैकेनिज्म हम एडॉप्ट करेंगे. नाउ आफ्टर वन पास, इंसर्शन ऑफ 44 प्लेस एट द राइट स्पॉट विद रिस्पेक्ट टू द होल एरे लाइक दिस. सो आप देखेंगे नंबर सॉर्टेड नहीं है, लेकिन 44 की पोजीशन फिक्स हो गई. 44 कौन सी लोकेशन पे आना है? 4 लोकेशन पे, जो कि आंसर जब फाइनल आंसर आएगा तब भी वो 4 लोकेशन पे ही होगा. तो आपका पिवट का जो सिलेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू होल एरे है. ओके. इंसर्शन सॉर्ट में पिवट का जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू सब एरे था. ओके. सो राइट नाउ द लेफ्ट साइड कंटेन ऑल एलिमेंट्स व्हिच इज स्मॉलर देन 44, एंड द राइट पोर्शन कंटेन ऑल एलिमेंट्स व्हिच इज ग्रेटर देन 44. तो इस तरीके से एरे आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा. चलते हैं इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए. व्हाट इज द आइडिया? नाउ ए क्विक सॉर्ट फर्स्ट सिलेक्ट अ वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड अ पिवट वैल्यू. ओके. सो देयर आर मेनी डिफरेंट वे टू चूज द पिवट वैल्यू. वी विल सिंपली यूज द फर्स्ट नंबर इन द एरे. ओके. सो कुछ लोग जो भी पिवट एलिमेंट है जिसका आप सिलेक्शन करते हैं, वो लास्ट अपर बाउंड की वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं.
कुछ लोग मिडिल वैल्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। हम यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए आपका फर्स्ट एलिमेंट ही चूज करेंगे। नाउ दिस इज योर अनसॉर्टेड एरे और आई वॉन्ट टू फिक्स द पोजिशन ऑफ एक्स। ओके, सो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, हम अपने एरे को स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। जब लेफ्ट टू राइट हम स्कैन करेंगे तो जितने भी एक्स से ग्रेटर एलिमेंट्स हैं उनको हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपकी पोजिशन जो है वो राइट हैंड साइड में है। ओके, और राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग में अगर एक्स से स्मॉलर एलिमेंट्स मिलते हैं तो हम उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपकी पोजिशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, सो द रोल ऑफ पिवट वैल्यू इज टू असिस्ट विद स्प्लिटिंग द एरे। एंड फाइनली जब आप सारा काम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आप कंपेयर करेंगे, तो उसके बाद में आप एक्स की पोजिशन को डिसाइड करेंगे। नाउ दैट पॉइंट इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग पॉइंट। वहां पे एरे आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा। सो द पार्टीशन प्रोसेस विल फाइंड द स्प्लिट पॉइंट बाय मूविंग अदर एलिमेंट्स टू द एप्रोप्रिएट साइड ऑफ द लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू पिवट वैल्यू। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको जो एलिमेंट्स हैं स्कैनिंग के ड्यूरेशन में, आपको राइट हैंड साइड में ले जाना है, कुछ एलिमेंट जो स्मॉलर है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। ओके, सो द मूविंग लार्जर वैल्यू टू द राइट साइड ऑफ एरे एंड स्मॉलर वैल्यू टू द लेफ्ट साइड ऑफ एरे। ओके, क्योंकि हमारा अभी अप्रोच है असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना क्या होगा, जो भी ग्रेटर वैल्यू है पिवट वैल्यू से, ओके, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग में, तो आपको उनको राइट हैंड साइड में भेजना होगा, और राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग में जो स्मॉलर वैल्यू है उनको आपको कौन सी साइड में भेजना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। सो इस तरीके से एरे आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा। नाउ राइट नाउ दिस इज अनसॉर्टेड एरे। अगर आप ये प्रोसेस पूरा करेंगे जो राइट से लेफ्ट में और लेफ्ट से राइट में भेजने का, आपस में स्वैप करने का, सो इस तरीके से यहाँ पे अनसॉर्टेड एरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। द फर्स्ट इज अनसॉर्टेड एरे विच इज स्मॉलर देन एक्स, इसमें सारी वैल्यूज जो है वो एक्स से स्मॉलर या इक्वल होंगी, एंड राइट पोर्शन कंटेन ऑल वैल्यूज विच इज ग्रेटर देन एक्स। सो इन दिस वे एक्स की पोजिशन आपकी कहाँ पर आएगी, नाउ आफ्टर फाइंडिंग द राइट पोजिशन ऑफ पिवट एलिमेंट इंसर्ट इट इन टू द डिजायर्ड लोकेशन। ओके, यहाँ पे आपकी लोकेशन आती है और आप अपने एलिमेंट को यहाँ पे फ्रीज करते हैं। सो दिस इज द फाइनल पोजिशन। ये नंबर्स आपके सॉर्टेड नहीं हुए हैं, आपकी एक्स की पोजिशन फाइनल हो गई। सो दिस इज पिवट एलिमेंट। सो आफ्टर दिस पोजिशनिंग हैज बीन मेड, द ओरिजिनल एरे इज पार्टीशन इन टू टू सब एरे। ओके, लेफ्ट पोर्शन कंटेन द स्मॉलर वैल्यूज, ओके, smaller or equal to x, and right hand side contain the greater value of x. Now what is a quick sort? Quick sort is a highly unstable algorithm. Humne previous video mein bataya tha ki what is a stable and what is unstable. So duplicate key ke terms mein agar unki position freeze rehti hai to that is a stable, otherwise unstable algorithm kehlata hai. Okay, main aapko thoda sa brief kar deta hu yahan par. Now suppose the number is 3, 4, 5, and once again 4, and then 7. So this 4, suppose this is my triangle shape mein deta hun, aur ye aapka square shape mein deta hun. So after sorting, numbers aapke kya aayenge? This is 4, and this is 4, and this is 5, and this is 6. डुप्लीकेट के केस में अगर इनका ऑर्डर फ्रीज रहता है, आई मीन टू से दैट अगर ट्राइंगल पहले है तो यहाँ पे भी ट्राइंगल पहले है और स्क्वायर आपका बाद में है, तो दिस इज स्टेबल। और अगर ये आपस में चेंज हो जाते हैं, स्क्वायर पहले आता है ट्राइंगल बाद में आता है, तो दिस इज अनस्टेबल। सो क्विक सॉर्ट इज हाईली अनस्टेबल एल्गोरिथम। नंबर पॉइंट नंबर टू, इट इज अ रिकर्सिव एल्गोरिथम। ओके, अप्रोच हमारी रिकर्सिव है एंड इट यूजेस द आइडिया ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। ओके, हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। पार्टीशनिंग एलिमेंट के बाद में आपका होल एरे जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और सेम अप्रोच हम दोबारा से उस के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाएगी और हमारा सोल्यूशन जो है वो ईजी होगा। नाउ दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द एलिमेंट कॉल्ड द पिवट दैट पार्टीशंस द एरे इनटू टू हाफ्स इन सच ए वे the elements in the left subarray are less than the partitioning element, pivot elements se smaller hote hain, and the elements in the right subarray are greater than the partitioning element, pivot elements se greater element hote hain. So
देन दीज टू सब एरे आर सॉर्टेड सेपरेटली. आप ये दो एरे को फिर से दोबारा से सेपरेटली सॉर्ट करेंगे, उसमें भी आप पहला एलिमेंट चूज करेंगे दैट इज द पिवट एलिमेंट, और उसकी पोजीशन जो है वहां पे डिसाइड करेंगे. इन द सेम मैनर आप से राइट हैंड साइड का जो एरे है उसमें उसका पहला एलिमेंट लेंगे और उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दैट एरे आप डिसाइड करेंगे. सो दिस प्रोसीजर इज रिकर्सिव इन नेचर विद द बेस क्राइटेरिया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे आर नॉट मोर देन वन. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको रिकर्सिव बनाएंगे, हम एरे को डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, ओके और फर्दर उसको फिर टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सेकेंड पार्ट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो इस तरीके से पहली बार में एरे जो है वो आपका टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेकेंड टाइम्स वो फोर पार्ट में डिवाइड होता है, नेक्स्ट लेयर के ऊपर वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, एट पार्ट में डिवाइड होगा, एंड नेक्स्ट लेयर 16 पार्ट में डिवाइड होगा. लेकिन ये एरे का डिवीजन कब तक चलेगा, जब तक हम एरे का डिवाइड होना बंद नहीं होता. आई मीन टू से दैट अगर एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल है तब आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, सो डिवीजन का प्रोसेस वहां पे स्टॉप हो जाएगा. इट मींस लोअर बाउंड और अपर बाउंड अगर एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही सेल के ऊपर अगर आ जाते हैं तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पोर्शन इज ओनली वन, और फर्दर प्रोसीजर आपका नहीं हो पाएगा, आपका एरे डिवाइड नहीं हो पाएगा. नाउ दिस एल्गोरिथम इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिथम. And the behavior is very good. The sorting technique has the best average behavior among all the sorting methods. इसको हम समझेंगे time complexity के terms में. Now अब हम एक numerical example से इसको समझते हैं कि हम quick sort की partitioning कैसे करेंगे और किस तरीके से उसको बना सकते हैं. Now suppose there are 12 numbers, okay? And the numbers are 44, 33, 11, 55, like that. Okay. So, यहाँ पे आपके 12 numbers हैं. Now, where is lower bound? Now, lower bound is this one. And what is upper bound? Upper bound is 11. Okay. Now, I want to freeze the location of 44. हम 44 की position जानना चाहते हैं एक ही बार में, एक ही pass में. Okay. So, select the 44 right now. Okay. और यहाँ पर हम मार्कर का यूज करेंगे. सो पार्टीशनिंग बिगेन बाई लोकेटिंग टू पोजिशन मार्कर. द फर्स्ट मार्कर नेम इज डाउन एंड अनदर मार्कर नेम इज अप. डाउन को हम लगाएंगे लोअर बाउंड पे और अप को लगाएंगे हम अपर बाउंड के राइट हैंड साइड में. ओके और प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रिमेनिंग लिस्ट में. आई मीन टू से दैट ए ऑफ वन से लेकर के ए ऑफ 11 तक. अब हम ये सर्च करेंगे कि 44 से ग्रेटर एलिमेंट्स अगर हमें मिलते हैं तो उनको हमें को बोलना है कि आपको राइट हैंड साइड में जाना है, और राइट टू लेफ्ट में अगर हम स्कैनिंग करते हैं तो देखते हैं 44 से जो स्मॉलर एलिमेंट है उनको हमें कहाँ लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में, सो दैट 44 की पोजिशन ठीक तरीके से हम बता पाए. नाउ 44 कंपेयर विद द नेक्स्ट एलिमेंट. ओके डाउन को आपने जीरो पे लगाया था, डाउन को पहले इंक्रीज किया, डाउन प्लस प्लस, आई मीन टू से दैट डाउन की वैल्यू 1 होती है. So A of down, it means A of one, yani 33. So 33 को हम 44 के साथ में compare करेंगे. The goal of partition process is to move values that are on the wrong side with respect to the pivot value and converging on the split point. 44 आपका split point बनने वाला है. So compare 33 with 44, but 33 is not greater than 44. So, आगे बढ़िए आप, down को increase करिए, down plus plus, so down का value 2 होता है. Okay, right now 11, no, 11 is not greater than 44. तो आप down को increase करिए, down को आगे बढ़ाइए. Okay, right now down is equal to 3. Okay, so yes, 55 is greater than 44. अब आप इसको stop कर देंगे अपनी स्कैनिंग को और स्टार्ट करेंगे स्कैनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. आप लेफ्ट टू राइट की स्कैनिंग को स्टॉप किया और राइट से लेफ्ट में करेंगे. आई मीन टू से दैट 44 को कंपेयर करेंगे लास्ट एलिमेंट से. सो दिस इज 44 एंड दिस इज 66 और आपको आपने इनिशियलाइज किया, डिक्रीज किया एक पॉइंट जो आपने राइट हैंड साइड में लगाया था. राइट नाउ अप इज 11, आपको आपने सेट कर दिया 11 के ऊपर और देखेंगे 44 से स्मॉलर मिलना चाहिए. नो, 66 इज नॉट स्मॉलर देन 44. आपस में कंपेयर करते हैं तो आपको पहले डिक्रीज करिए, पीछे ले आइएगा. सो हियर इज 88.
सो 88 इज नॉट स्मॉलर देन 44, आपको डिक्रीज करिए, 10 से डिक्रीज करेंगे तो 9 हो गया. सो राइट नाउ यू आर हियर. सो 22 इज स्मॉलर देन 44, यस, देन स्टॉप. अब आप यहाँ पे प्रोसीजर को यहाँ पे भी स्टॉप करेंगे. नाउ अब आपकी स्कैनिंग में आपको ये पता चला कि दिस इज 55, इसको तो राइट हैंड साइड में होना चाहिए था, और यहाँ पे आपको देखने को मिला दिस इज 22, इसको लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तो आपस में एक्सचेंज किया, आपने स्वैप कर दिया इन वैल्यूज को. ओके, और प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किया यही इसी पॉइंट से. सो नेक्स्ट डाउन को इंक्रीज किया. राइट नाउ डाउन को आप नेक्स्ट हम ये डायग्राम बनाते हैं क्योंकि क्लियरिटी के लिए. नाउ डाउन को आप इंक्रीज करते हैं. नाउ नेक्स्ट पोजिशन डाउन की कहाँ पे जाएगी, 4 के ऊपर. राइट नाउ डाउन इज हियर. सो ए ऑफ डाउन, आई मीन टू से दैट ए ऑफ फोर, इट मीन 77 को कंपेयर कर रहे हैं आप 44 से. यस, 77 इज ग्रेटर देन 44, देन स्टॉप. आप जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़े तो आपको हैवी एलिमेंट मिल गया, आपने प्रोसीजर को स्टॉप कर दिया. नाउ अब आप आपकी राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग यहां तक हो चुकी थी, आगे कंटिन्यू करिएगा. तो नेक्स्ट एलिमेंट इज 99. ओके, आपको डिक्रीज किया. राइट नाउ 99 इज नॉट स्मॉलर देन 44, आपको और डिक्रीज करिए. नाउ दिस इज 60, 60 इज नॉट स्मॉलर देन 44. नाउ आपको डिक्रीज करिए. राइट नाउ अप इज 6, तो ए ऑफ 6, आई मीन टू से दैट दिस इज 40. या 40 इज स्मॉलर देन 44, देन स्टॉप. ओके, सो राइट नाउ डाउन इज स्मॉलर देन अप, आपस में स्वैप कर सकते हैं. तो जब जब डाउन का वैल्यू अप से स्मॉलर है तब उस केस में आप आपस में स्वैप कर सकते हैं. यानी हम क्या कह रहे हैं कि आपने देखा कि एक हैवी एलिमेंट मिलता है 44 से, उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको राइट हैंड साइड में जाना है, और 44 से जो स्मॉलर एलिमेंट है उसको बोलना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना. तभी तो 44 से स्मॉलर एलिमेंट आपके एक पोर्शन में जाएंगे और 44 से ग्रेटर एलिमेंट्स आपके दूसरी साइड में चले जाएंगे. नाउ स्वैप दीज टू एलिमेंट्स. ओके, और प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि डाउन की वैल्यू अप से स्मॉलर है, तब तक हमें स्वैप करना है. ओके, आपकी एरे की स्कैनिंग पूरी होनी चाहिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. ओके, यानी कि ये जो इनकमिंग एरोज जो हैं, ब्लू एरो एंड ग्रीन एरो जो आपस में आ रहे हैं, ये आपस में ओवरलैप करते हैं, तब हम प्रोसीजर को स्टॉप करेंगे. इसका मतलब हमने एरे को पूरा स्कैन कर लिया और हमने ग्रेटर एलिमेंट को राइट हैंड साइड में और स्मॉलर एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए. नाउ कंटिन्यू, आप यहां से डाउन को पहले आगे बढ़ाइए. नेक्स्ट एलिमेंट, अब नेक्स्ट डायग्राम में हम पहुंच गए. नाउ दिस इज 44, 44 को कंपेयर करेंगे किसके साथ में, 90 के साथ में. यस, 90 इज ग्रेटर देन 44. ओके, सो डाउन की वैल्यू आपकी 4 से बल्कि 5 हो गई. ओके, तो प्रोसेस को आप यहाँ पे रोकेंगे और आप राइट टू लेफ्ट वाले प्रोसेस पे आएंगे. अभी आप कहाँ पे थे, 77 के ऊपर थे. नाउ कंपेयर 44 विद द नेक्स्ट एलिमेंट, आपको डिक्रीज किया, आप डिक्रीज होकर के 5 हो गया. दिस इज 90. ओके, आप यहीं पर आ गए, बट 90 इज नॉट स्मॉलर देन 44. प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, आपको डिक्रीज करिए. आपको डिक्रीज किया 4, 5 से माइनस 1 किया, सो दैट इज 4. सो ए ऑफ 4 पे 40 मिला. या 40 इज स्मॉलर देन 44, देन स्टॉप. राइट नाउ डाउन इज ग्रेटर देन अप. आप देख रहे हैं डाउन जो है वो कहां पे चला गया, ब्लू एरो जो है क्रॉस कर गया, 5 पोजीशन के ऊपर आ गया. डाउन का वैल्यू 5 है और अप जो है डिक्रीज होते हुए कहां पे चला गया, 4 चला गया. सो दिस इज 5 एंड दिस इज 4. सो व्हेनेवर डाउन इज ग्रेटर देन अप, एट दैट मोमेंट आप इनको स्वैप नहीं करेंगे. अब आपको क्या करना है, अप्थ वैल्यू को जो आपका इनकमिंग एरो था राइट हैंड साइड से, उस वैल्यू को आप स्वैप करेंगे अपने पिवट वैल्यू के साथ में. यानी ए ऑफ लोअर बाउंड की जो वैल्यू है, दैट इज ए ऑफ 0 की वैल्यू को आप स्वैप करेंगे ए ऑफ अप वैल्यू से, इट मींस ए ऑफ 4 से. सो राइट नाउ स्वैप दीज टू वैल्यूज. ओके, तो आप देखेंगे 44 की सही पोजीशन आ चुकी है फोर्थ लोकेशन के ऊपर, और 44 से स्मॉलर एलिमेंट्स जो हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में हैं, और ग्रेटर एलिमेंट्स जो हैं वो आपके राइट हैंड साइड में हैं. तो आपने देखा कि इफ डाउन इज स्मॉलर देन अप तो आपस में स्वैप किया. यहाँ पे भी डाउन इज स्मॉलर देन अप, तो आपने 77 और 40 को इंटरचेंज किया, लेकिन इस मोमेंट पे डाउन ग्रेटर हो गया आपसे, तो उस मोमेंट पे आपको इंटरचेंज किसको करना है, ए ऑफ लोअर बाउंड को आपको इंटरचेंज करना है ए ऑफ अप से. नाउ फाइनली दिस एरे इज डिवाइडेड, इस वे एरे इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, द लेफ्ट पार्ट कंटेन द स्मॉलर वैल्यू
then this pivot value 44 से smaller है and the right portion contain the greater value of this 44. So आप देखेंगे आप array का जो lower bound है, left side का जो lower bound है और upper bound है. So this is pivot element, this is the up value. I mean to say that this is the index number of pivot element, that is the 4. So left hand side के ऊपर focus करिए. Lower bound is 0 and the upper bound is up minus 1. This is 4 and 4 minus 1, that is 3. Okay. राइट हैंड साइड का जो लोअर बाउंड है आपका वो क्या होगा, अप प्लस वन से स्टार्ट होगा, यानी फोर में वन को ऐड करेंगे दैट इज फाइव से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, अपर बाउंड तक. सो एरे दो पार्ट में डिवाइड हो गया. अब ये प्रोसीजर आपको पैरेलल यानी कि रिकर्सिव वे में चलना है. तो अगर आप 40 को यहाँ पे फ्रीज करेंगे तो 40 की पोजिशन इस एरे में फाइनल हो जाएगी कि कौन सी लोकेशन पे आना है. इन द सेम मैनर अगर आप यहाँ पे 90 को सिलेक्ट करेंगे और यही प्रोसीजर आप लगाएंगे कि 90 की कौन सी पोजीशन आएगी इस एरे में, तो 90 की फाइनल पोजीशन डिसाइड हो जाएगी. सो सिलेक्ट 40 और 40 के बाद में इसकी पोजीशन डिसाइड हो जाएगी. नाउ इन दिस पोर्शन सिलेक्ट 90 की पोजीशन डिसाइड हो जाएगी. तो इस तरीके से एरे आपका कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अभी दो पार्ट में है, यहाँ पे दो पार्ट आएंगे, टू पार्ट, और यहाँ पे भी इसके कितने पार्ट होंगे, टू पार्ट, तो फोर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहेगा. सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ पार्टीशनिंग. ओके, नाउ कम टू द कोडिंग पार्ट. नाउ दिस इज पार्टीशनिंग पोर्शन. सो दिस कंसिस्ट ऑफ एंटायर एरे एंड दिस इज द लोअर बाउंड एंड दिस इज द अपर बाउंड. देयर आर थ्री वेरिएबल्स, पिविट, डाउन एंड देन अप. ओके, ये मार्कर का काम कर रहे हैं. आपने कहां पे रिमेनिंग पोर्शन पे डाउन को कहां पे लगाया था, लोअर बाउंड के ऊपर, और अप को कहां लगाया था, अपर बाउंड से राइट हैंड साइड के ऊपर. सो दिस इज योर एरे एंड दिस इज लोअर बाउंड एंड दिस इज अपर बाउंड. नाउ डाउन को आपने कहां पे सेट किया, लोअर बाउंड के ऊपर, और अप को कहां पे सेट किया, अपर बाउंड प्लस वन के ऊपर. ओके, सो हियर आपने यहां पे लगाया डाउन को. ओके, और अप को आपने कहां पे लगाया, अप को आपने लगाया नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर, यानी अपर बाउंड प्लस वन के ऊपर. दिस इज अपर बाउंड एंड देन प्लस वन. ओके, यानी इस जगह पे कहीं पे आपने पॉइंट किया. नाउ कम टू द सिलेक्शन ऑफ पिवट एलिमेंट. हमने सिंप्लिसिटी के लिए सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज ए ऑफ लोअर बाउंड, इसको पिवट मान लिया. नाउ दिस इज माई पिवट एलिमेंट. नाउ डाउन इज स्मॉलर देन अप, बट नेचुरल है डाउन जो है लोअर बाउंड पे लगाए, अप जो है आपका अपर बाउंड प्लस वन के ऊपर लगाए तो स्मॉलर ही है. ओके, डाउन इज स्मॉलर है. तो आप लूप में जाते हैं और यहाँ पे एक डू वाइल लूप लगाते हैं और इंक्रीज करते हैं डाउन को, डाउन मार्कर को आगे ले जाते हैं. डाउन इज इक्वल टू डाउन प्लस वन. तो आप कौन से पोर्शन के ऊपर आ गए, इस पोर्शन के ऊपर. ओके, नाउ If a of down, I mean to say that अगर ये वैल्यू स्मॉलर है तो आपको आगे बढ़ना है क्योंकि आपको तो ग्रेटर वैल्यू देखना है. ओके, सो कंपेयर दिस एलिमेंट. नाउ फिर से ये लूप चलेगा. ओके, नाउ कंपेयर द नेक्स्ट एलिमेंट. यस, अगर ये ग्रेटर है तो स्टॉप करेंगे, तो नेक्स्ट डू वाइल लूप पे आप आ जाएंगे. नेक्स्ट डू वाइल लूप आप क्या किसके लिए लगा रहे हैं, अप के साथ में लगाएंगे, अप को डिक्रीज करते हुए, अप इज इक्वल टू अप माइनस वन. तो डेफिनेटली आपको आपने अपर बाउंड प्लस वन पे लगाया था, एक माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू कहां पर आ जाएगा, अपर बाउंड के ऊपर आ जाएगा, यानी लास्ट एलिमेंट के ऊपर आ जाएगा. नाउ कंपेयर द पिवट एलिमेंट विद लास्ट एलिमेंट. और यहाँ पे आपको क्या देखना है, स्मॉलर एलिमेंट. सो अभी ये ग्रेटर एलिमेंट है तो आपने पहला कंपेरिजन किया. सो ये ग्रेटर है तो नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, अप को डिक्रीज करेंगे, अप इज इक्वल टू अप माइनस वन, फिर डिक्रीज करेंगे. ओके, अभी भी अगर आपको स्मॉलर नहीं मिला तो एक बार आप और आके देखेंगे. यस, राइट नाउ अगर ये स्मॉलर मिलता है तो यहाँ की वैल्यूज और यहाँ की वैल्यूज आपस में आप क्या करने वाले हैं, इंटरचेंज करने वाले हैं, स्वैप करने वाले हैं. ओके, सो इन दिस मैनर इफ डाउन इज स्मॉलर देन अप. अप डाउन का वैल्यू कहाँ पर है, नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर. अप का वैल्यू आपका यहाँ पर है. सो स्वैप दीज टू एलिमेंट्स, आपने आपस में स्वैप कर दिया. Now once again come to this while loop. While loop में आप आते हैं और आगे बढ़ते हैं, down को आगे बढ़ाते हैं. अब आपको यहाँ पर एक element मिलता है, suppose this is greater, तो आपका ये loop तो खत्म हो जाएगा. Next do while loop पे आप आएंगे. Now this is suppose smaller element, तो अभी भी down जो है वो up से smaller है, तो आप swap कर देंगे. ठीक है, और swap करने के बाद में next element आप दोबारा से जाएंगे. Okay, इन elements को swap करने के बाद में आप
नेक्स्ट डाउन को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ग्रेटर मिलता है या नहीं मिलता है। अगर ग्रेटर मिलता है तो स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट डू वाइल लूप में आपको एंट्री मिलेगा और वहां पे देखेंगे स्मॉलर एलिमेंट्स मिलता है या नहीं मिलता है। इफ दिस इज नॉट स्मॉलर देन आप हंट करेंगे नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर, यस दिस इज स्मॉलर। अब ये आपके जो इनकमिंग एरोज थे ब्लू और ब्राउन एरोज जो है वो ओवरलैप करते हैं, सो आई मीन टू से दैट कि डाउन का वैल्यू ग्रेटर हो गया अप से, अप स्मॉलर हो गया। सो एट दैट मोमेंट आपस में आप ये लोकेशन इंटरचेंज करेंगे। कौन सी लोकेशन इंटरचेंज करेंगे? ये वाली लोकेशन आपकी इंटरचेंज होगी। ओके, सो ये आप व्हाइल लूप से बाहर आ गए बिकॉज डाउन इज नॉट स्मॉलर देन आर इक्वल टू अप, डाउन राइट नाउ इज ग्रेटर देन अप, सो स्वैप ए ऑफ लोअर बाउंड विद ए ऑफ अप। ओके, तो आपका ये आपका पार्टिशनिंग एलिमेंट इस पोजिशन के ऊपर पॉइंट होगा। ओके, सो दिस इज योर पार्टिशनिंग एलिमेंट। ओके, दिस इज अप। ओके, आप अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। आंसर आपका क्या रिटर्न होगा? दिस इंडेक्स नंबर। ओके, सो पार्टिशनिंग का काम है पिवट एलिमेंट को सही जगह पे लेके आना और उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करना, सो दैट जो एक्चुअल क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम यहाँ पे जो हमने लिखने स्टार्ट किया, दिस इज क्विक सॉर्ट, दिस इज इंटायर एरे एंड दिस इज लोअर बाउंड। यहाँ पर हम पार्टिशनिंग एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर है उसको यू के अंदर सेट करेंगे, स्टोर करेंगे। नाउ द रिकर्सिव अप्रोच, दिस इज द बेस क्राइटेरिया, हम एरे को इस अपने प्रोसीजर को तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक लोअर बाउंड अपर बाउंड से स्मॉलर है। नाउ हेयर फर्स्ट कॉल द पार्टिशनिंग पोर्शन, इस एल्गोरिथम को कॉल करेंगे। यहाँ पर आपका पिवट एलिमेंट सेट हो गया, ये ब्राउन आप देख रहे होंगे, दिस इज द पिवट एलिमेंट। ओके, और यहाँ पे जो आंसर जो रिटर्न हुआ था वो क्या रिटर्न हुआ था? दैट इज अप। ओके, सो यू का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे? अप। ओके, नाउ कॉल इटसेल्फ, अब एरे को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आप इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करिए क्विक सॉर्ट this entire array, but start from lower bound is lb and upper bound is up minus 1. I mean to say that u minus 1. Okay, so this is आपका क्या होगा? This is up and this is up minus 1. तो आपने इसके लिए ये प्रोसीजर को कॉल किया, तो डेफिनेटली आपका जो यहाँ पे पहला एलिमेंट होगा, जो भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, उसकी पोजिशन डिसाइड होगी। नाउ वंस अगेन कॉल इट सेल्फ, आपने पूरा एरे यहाँ पे पास किया, बट लोअर बाउंड इज अप प्लस 1। आपकी स्टार्टिंग कहां से होगी? यहां से होगी। राइट नाउ दिस इज योर अपर बाउंड, दैट इज अप प्लस 1, सॉरी दिस इज योर लोअर बाउंड। ओके, सो लोअर बाउंड आपका कहां से स्टार्ट होगा? यू प्लस 1 से, एंड द अपर बाउंड इज यू बी। ओके, सो आपने एल्गोरिथम को फिर से कॉल किया लोअर बाउंड और अपर बाउंड को डिफरेंट नंबर्स के साथ में। सो ये आपने फंक्शन आपका कब कॉल होगा? इफ एल बी इज स्मॉलर देन यू बी। सपोज एल बी और यू बी अगर इक्वल होता है तो इट मींस एरे के अंदर आपका एक ही सेल है और वो डिवाइड दोबारा नहीं हो पाएगा। राइट, यहाँ पे आपका प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज द रिकर्सिव अप्रोच। ओके, आप बार बार कॉल करेंगे तो एरे पहले ही बार में तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, टू पार्ट में, एंड देन फिर उस टू पार्ट फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होंगे तो फोर पार्ट में, फोर पार्ट्स आपके फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो एट पार्ट्स। तो इस तरीके से एरे में एन एलिमेंट्स थे, फिर एन बाई टू अप्रोक्सीमेटली एक पोर्शन में चले गए, एन बाई टू सेकेंड पोर्शन में चले गए, एन बाई फोर, उसके बाद में नेक्स्ट लेयर के ऊपर एन बाई फोर के आपके फोर एरे हो गए अप्रोक्सीमेटली, फिर एन बाई सिक्सटीन, एन बाई एट के एट एरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से एरे का साइज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है और फाइनली एरे में जब एक एलिमेंट हो जाएगा तो दैट इज द सॉर्टेड एलिमेंट्स। ओके, सो ये क्विक सॉर्ट का अप्रोच था, लॉजिक था। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।